व्हाट इज दिस? इतना सारा मेकअप मुझे डिच करना पड़ा। मेरे बेड साइड पे आप लोग देख सकते हो। दीदी क्या कर रही है आप? इसमें TRT लिखा है जो कि मेरी कॉलेज का नाम है। टिट जीता रहे। डोंट अंडरस्टैंड बॉयज। बहुत मुश्किल होता है यार। ग्रेजुएटेड। Hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? Welcome to moving and packing vlog for Mumbai. So काफ़ी लोगों को ये already पता ही होगा that I am moving to Mumbai. मैंने वहाँ पे flat rent किया है and I have like couple of days to pack. Honestly, 4 दिन to pack and leave. और कुछ packing नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है. अब तो ऐसा लग रहा है कि movers और packers की देवी देवताएँ आए और मेरे लिए सारा काम कर दें, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ मैं. मैंने अभी अपने भाई से एक लगेज मंगाया, ये ब्लैक वाला, सो दैट आई कैन पैक सम ऑफ माय स्टफ हियर. आई आल्सो हैव दिस लगेज एंड दिस वन. बाय द वे दैट बेड इज फॉर बंटी. बंटी इज माय कजिन गाइस. काफी व्लॉग्स में आपने उसको देखा होगा, उसका कॉन्वोकेशन है. आइजर भोपाल में वो पढ़ता है. सो आइजर भोपाल का 10th कॉन्वोकेशन है एंड ही इज ग्रेजुएटिंग बेसिकली. अनदर इंजीनियर इन आवर फैमिली. आई एम आल्सो इंजीनियर इफ यू डोंट नो. 2 hours later मैं जा रही हूं अपने कजिन के ग्रेजुएशन सेरेमनी में मीट माय आंटी. हेलो आंटी. एंड दैट्स बंटी जिसका ग्रेजुएशन है, वो भी एंट्री कराने गया है. आंटी इज ट्राइंग टू फाइंड बंटी गाइस. वो कह रही है सारे बच्चे तो एक जैसे दिख रहे हैं. कैंपी लागू जी आंटी. ओहो हिच को मेरे भाई की बारी आने वाली है गाइस. फ्रॉम द 4 इयर्स बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस. सत्यजीत दास. There goes my brother. Freshly graduated. भाई का कॉन्वोकेशन तो हो गया, बट हम लोग को बाहर निकाल दिया गया पेरेंट्स को, क्योंकि ऑडिटोरियम में जगह नहीं है. तो अभी हम लोग कहीं और जा रहे हैं बैठने के लिए. हम लोग अंकल का भी वेट कर रहे हैं. अंकल की ट्रेन लेट थी, इसकी वजह से मैं उनकी जगह पे आई थी. आंटी चल. मुझे मेरे स्कूल और कॉलेज की याद आ गई यहाँ बैठ के. ये देखो क्या लिखा है. IIT greater 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 than ISR. अंकल आपसी गलो. हाय अंकल, आप लेट हो गए हैं. आप अपने बच्चे की ग्रेजुएशन सेरेमनी में लेट हो गए अंकल. आप हेयर स्टाइल ठीक कर लो अंकल. दिस इज व्हाट आइजर हैज अरेंज्ड फॉर बंटीज ग्रेजुएशन. पिकनिक जैसा लग रहा है मुझे यहाँ पे बैठ के. को मेरा भाई इंजीनियर बन गया सत्यजीत दास, बैचलर ऑफ साइंस. वेलकम टू द ग्रुप ब्रो. आपको पता है मेरा कॉन्वोकेशन हुआ नहीं था कॉलेज का. मैंने अपने भाई का देखा है जो मेरा रियल ब्रदर है. मैंने कजिन का देख लिया कॉन्वोकेशन. अभी हम लोग ऐसे ही आसपास घूम रहे हैं. बहुत ग्रीनरी है आसपास, पता है बहुत ही बड़ा कॉलेज है ये. दिस इज वेरी फार फ्रॉम माय हाउस एज वेल. लुक हाउ प्रिटी द स्काई लुक्स. दिस इज बड़ा तालाब. लेटर. आंटी, we got you cake. दीदी तू लाइटर क्यों लेके आई चलाने के लिए? What is this? लाइटर लेके. दीदी क्या कर रही है यार? दीदी प्लीज अपना ब्रेन मत यूज कर यार. दीदी रख दे यार. Days later. I'm getting ready to go out with my cousin Bunty and my sister. काफी टाइम से दीदी बोल रही थी कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं या ऐसी शॉपिंग पे चल देते. और मैं ना सिर्फ अगर यूट्यूब का काम होता है तो ही उसको प्रायोरिटी दी के कहीं बाहर जाके लाइक शॉपिंग कर लेती हूँ. अदरवाइज आई डोंट गो आउट विथ माई फैमिली फ्रेंड्स, विच इज नॉट राइट. सो आई एम गोइंग आउट. दीदी बंटी को उसके ग्रेजुएशन की खुशी में शॉपिंग कराने के लिए लेके आई है शॉप स्टॉप. हाय बोलो ब्लॉग को. Okay. तो कुछ देख क्यों नहीं रहा? आई डोंट अंडरस्टैंड बॉयज. वो बस ऐसे उसको एक पकड़ा दिया हमने तो वो पकड़ के खड़ा है. आई एम बैड एट शॉपिंग, मुझे अच्छा नहीं लगता. तुझे शॉपिंग पसंद नहीं? ओह दिस इज नाइस. एकदम यंग फैशन है ये, नॉट जेंजी बट टैग्स मार. पता है वीडियो में ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं. ये दोनों दोनों ट्राई कर लेना. दिस इज द ऑफर गाइस. इससे बेटर वो डेनिम वाला लग रहा है. वीडियो में भी बहुत अच्छा लग रहा है ये बंटी. मुझे भी कुछ दिला दे. मुझे पीस चाहिए, शांति शांति दिला दे. गाइस हम लोग घर आ गए. मुझे दीदी ने ये दिलाया ईयरफोन्स.
मैं हमेशा दीदी का यूज कर लेती थी जब भी मुझे एडिट करना रहता था, स्पेशली रील्स और शॉर्ट्स वगैरह। तो दीदी ने बोला चल मैं तुझे दिलाती हूँ। इट फील्स लाइक अ फुल सर्कल, क्योंकि दीदी को मैंने उनके बर्थडे पे दिलाया था एंड नाउ दीदी हैज स्टार्टेड अर्निंग, सो वो मुझे गिफ्ट्स देती है, तोहफे देती है, काफी अच्छा लगता है मुझे। बंटी भी दिलाएगा मुझे, है ना बंटी, जब तेरी नौकरी लगेगी। पहले तो उससे दे देते हैं सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि जो PR है ना मेरे, जो पहले मुझे मिल चुके हैं, वो मैं पैक करना शुरू कर दूँ, जो मुझे लेके जाने हैं, जो मुझे गिव अवे में डालना है, जो मुझे फैमिली फ्रेंड्स को देना है। वैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे अभी तक मैं PR पैकेजेस स्टोर करती थी। आई फील सो ब्लेस्ड टू बी रिसीविंग PRs फ्रॉम ब्रांड्स एंड एजेंसीज। पहले मिलता नहीं था, आई यूज टू क्रेव फॉर दिस, यू नो, बट 6 साल हो चुके कॉन्टेंट बनाते बनाते। सो ये वाला एक कबर्ड है, ठीक है, जिसमें PR में स्टोर करके रखती हूँ। एंड देन मेरे बेड साइड पे आप लोग देख सकते हो कि हालत काफ़ी भरी भरी है। इसको भी मुझे सॉर्ट आउट करना रहता है, हर महीने में सॉर्ट आउट करती हूँ, फिर भी ऐसे एक के ऊपर एक स्टैक हो ही जाता है। मैंने सोचा था कि मैं अलग से इसके लिए चेस्ट ड्रॉअर खरीदूंगी, पर वो कभी हो नहीं पाया। वैसे ये दो नायका के PR नहीं है, ठीक है, जस्ट दैट समथिंग आई बॉट फ्रॉम नायका। किसी मेरा एड्रेस तो नहीं दिख रहा है ना, जस्ट मेकिंग श्योर। सो दिस इज द प्रोग्रेस सो फार, आई डोंट थिंक सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोग्रेस, बट काफ़ी कुछ सेग्रीगेट कर लिया मैंने, गिव अवे का सामान भी अलग से निकाल दिया है मैंने। एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, अगर मेरे पास एक स्टोरेज यूनिट होता इसी घर पे, तो लाइक इतने बॉक्सेस पड़े नहीं होते, क्योंकि काफ़ी सारे खाली बॉक्सेस इसी वजह से गिवा है। तो इसमें कुछ रखा है, लियो दिस इज मी। आई थिंक 2 hours लेटर, अभी भी रूम की हालत बड़ी ही खराब है। दीदी इज हेल्पिंग मी आउट, माई ब्रदर बंटी इज ऑल्सो हेल्पिंग मी आउट। मैंने 3 गिव अवे बॉक्सेस बना लिए हैं और 3 घर वालों के लिए बॉक्सेस बना लिए, एक सुषमा आंटी जो बंटी की मदर है, एक मेरी बहन है कजिन उसके लिए, एक पापा के लिए जो भुवनेश्वर जाएगा। ये हेल्प हो रही है, ये हेल्प हो रहा है बंटी। अरे कितना काम बचा अभी, वॉट इज गोइंग ऑन, कर हमें। अभी बज गए रात के 2:07, बहुत बड़ा काम हो गया, PR packages का सबका काम हो गया हमारा। The next day. Bye आंटी, bye bye. अंकल बंटी एंड आंटी इज लीविंग गाइस। बंटी मेरे पैर छू जल्दी जल्दी क्विक, आई एम वेटिंग। बापरे बापरे जीता रहे। बाय बंटी, मैं जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। डोंट क्राई ओके, क्या खुश, लियो बाय बाय बोल दो, लियो बाय बाय बोल दो। He's like, I don't care, मुझे बस घुमाने ले जाओ। सो माई कजिन लेफ्ट बंटी एंड बंदना, मेरे जो कजिन्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन, they both are my favorite cousins, everybody knows this and my family and I love them so much। मैं उनकी टांग खींचती रहती हूँ हमेशा कि मेरे पैर छू, मेरा ये काम कर, मेरा वो काम कर, जैसी बड़ी बहनें होती हैं ना वैसी हूँ मैं। सो चलो लेट्स कंटिन्यू पैकिंग। दीदी है नहीं, वो हॉस्पिटल गई हैं, अगर होती तो वो मेरी हेल्प कर देती। एंड नाउ आई एम गोना टैकल दिस वैनिटी ऑफ माइन। यहाँ पे बहुत सारा सामान है, स्किन केयर और मेकअप। नाउ दी स्किन केयर एंड मेकअप आर समथिंग दैट आई यूज़ ऑन एवरीडे बेसिस या वीडियोज पर्पज़ के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ। लाइक दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड वाला सेक्शन। सो ये चेस्ट ड्रॉअर जो मैंने ना IKEA से मंगाया था, मैं इसे लेके जा नहीं रही हूँ। आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारा स्किन केयर का सामान, मेकअप का सामान है इसमें। दिस ड्रॉअर इज वेरी ऑर्गेनाइज, बिल्कुल नहीं है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। ज्वेलरी भी रखी हुई है इसमें मेरी। एंड दिस सेक्शन आई हैव ऑल माई मेकअप। सो मेकअप को मैंने काफ़ी टाइम से डिक्लटर किया नहीं है, जो जो मेकअप एक्सपायर हो चुका होगा वो मैं हटा दूंगी, ऐसे में काफ़ी हल्का भी हो जाएगा बहुत कुछ। नेल पेंट्स काफ़ी कुछ अलग कर दिए मैंने, जो एक्सपायर हो चुके थे, ये जो मेरा एक्सपायर बॉक्स है उसमें डाल दिया, इसमें स्किन केयर भी है। एंड दिस पैलेट गाइज,
इट्स एक्सपायर्ड. पूरा पैलेट सेक्शन अभी मैं कवर करूंगी मैं. दिस इज माय प्राइस पोजीशन. ये जब मैंने नायका के साथ कोलैब किया था ना, तब उन्होंने मुझे ये भेजा था. और ये दोनों पैलेट जून 2022 में एक्सपायर हुए हैं, फिर भी मैं इन्हें यूज करी थी. बताओ. लुक व्हाट आई हैव. दिस इज मैक स्टूडियो फिक्स्ड रेट इन द शेड NC42. आई थिंक 4-5 साल पहले मैंने ये फाउंडेशन का खरीदा था. सेंटिमेंट अटैच है इस फाउंडेशन के साथ, क्योंकि तब तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे. पैसे बचाती थी मैं ताकि मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट खरीद सकूँ. स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट के लिए मैं पैसे बचा रही थी. एंड आई लाइक फाइनली बॉट इट फ्रॉम नायका. आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट. शेड मैच नॉट गुड. इट वाज अ बिट ऑरेंज ऑन मी, टैड बिट लाइट आल्सो ऑन सम पार्ट ऑफ माय फेस. बट आई वाज स्टिल मेकिंग यूज ऑफ इट, मेकिंग इट लाइक वर्क. आई थिंक एक्सपायर हो चुका है, बट स्टिल आई एम गोना लाइक कैरी दिस विद मी, क्योंकि अभी भी सेंटिमेंट अटैच है. जब तक वो सेंटिमेंट चला नहीं जाता, तब तक मैं इसको रखूंगी अपने पास. लुक एट द अमाउंट ऑफ लिपस्टिक्स आई हैड टू थ्रो, क्योंकि ये सब एक्सपायर हो चुके हैं. थैंक गॉड इन लिपस्टिक्स में एक्सपायरी डेट दिया हुआ है. सो मोस्ट ऑफ देम एक्सपायर्ड इन 2020 या 2021. ओके, ये पिछले साल के जितने पार्सल्स आए थे उन सब के मैंने बबल रैप संभाल के रखे हैं. तो अब मैं इन्हें यूज करूंगी, रिसाइकिल करूंगी मैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट पैकेट्स लाइक दिस. और मैंने F और B लिखा है पीछे. F मतलब फ्रंट, B मतलब बैक. एंड इसमें लिपस्टिक्स हैं. सो दिस वन इज डन. एंड नाउ आई एम गोना डू द सेम फॉर कंसीलर, पाउडर, ब्लश, फॉर एवरीथिंग एंड फॉर माई आई शेडोज. सो पूरा करके मैं आपको मिलती हूँ. ओके एवरीवन, सो दिस इज द प्रोग्रेस सो फार. आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. काफी टाइम लग गया, मेहनत लग गई, बट अच्छी बात ये कि मैंने सब में ना नेमिंग कर दी है कि क्या क्या है. सो अभी ना वापस इसको मैं इसमें भर रही हूँ, क्योंकि जगह नहीं है घर में. जब मूवर्स एंड पैकर्स आएंगे परसों, तब मैं वापस निकालूंगी इसको. और इतना सारा मेकअप मुझे डिच करना पड़ा. दीज आर ऑल द लिपस्टिक्स एंड सम पुराने आई शेडोज, कंसीलर, आईलाइनर, पेन वगैरह. मेकअप पैकिंग इज डन. आई एम टैकलिंग क्लोथ्स नाउ. यहाँ नीचे डाल के रखा है, सॉर्ट आउट कर रही हूँ मैं. बाय द वे, मैंने ना इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली थी दैट लाइक इट्स फाइनली हैपनिंग, आई एम पैकिंग व्हाटएवर. सो मुझे काफ़ी डीएम्स आए कि शालिनी जो आप मेकअप डिस्कार्ड कर रहे हो एक्सपायर्ड वाले, वो डिस्कार्ड ना करो, हमको दे दो या बेच दो 100-100 रुपये में. एंड मैंने 2-3 लोग को रिप्लाई भी किया कि आई वोंट गिव यू एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स. कितने जर्म्स, बैक्टीरिया, मेरे खुद के बैक्टीरिया उसमें लगे होंगे अगर मैंने उसको यूज़ किया होगा. और कितने पुराने हैं वो, मतलब 2020-2022 में एक्सपायर हो चुके. तो व्हाई वुड आई गिव यू एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यू गाइस. और मुझे ना हमेशा मल्टीपल टाइम्स आते हैं जब भी मैं ऐसे डिक्लटरिंग वाले वीडियोस करती हूँ या डालती भी हूँ कि हमको दे दो प्रोडक्ट्स. एंड यू नो दिस, आई कांट डू दिस टू यू गाइस. आई कांट गिव यू एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स. तो वो सारे कपड़े हैं जो मैं लेके जाऊंगी, दीज आई एम डोनेटिंग एंड दीज आर आई एम कीपिंग इट. ठीक है, घर पे यहीं पे. अलमीरा में जगह भी नहीं है, कपड़े गिर रहे हैं. ये वाला सेक्शन देख रहे हो आप, गिर जाएंगे वो थोड़ी देर में. सो ये 3 रैंडम टी शर्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जस्ट फॉर फन, क्योंकि मेमोरीज अटैच हैं. मुझे ये टी शर्ट होता भी नहीं अभी, फिर भी मैंने संभाल के रखा हुआ है इसे, क्योंकि जब पापा मेरे US गए थे तब मेरे लिए वहाँ से ये लेके आए थे. इसमें तो प्रिटी सा बटरफ्लाई बना हुआ है. दिस इज मेरी कॉलेज का पोलो शर्ट. आप लोग देख सकते हो इसमें TIT लिखा है, जो कि मेरी कॉलेज का नाम है. टिट, यस, टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ती थी मैं. एंड EC ब्रांच था मेरा. पीछे नाम लिखा है शालिनी. तो जब टेक फेस्ट हुआ था तो हम लोगों ने ऐसे कस्टमाइज टी शर्ट बनाए थे. कॉलेज वालों ने नहीं दिए थे, ठीक है. हमारा कॉलेज बड़ा ही कंजूस मक्कीचूस टाइप का है, उन्होंने हमको कुछ नहीं दिया टी शर्ट विशर्ट. एंड दिस इज गोवा का टी शर्ट. इसमें हाथी बना हुआ है एंड गोवा इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे. जब मैं पहली बार गोवा गई थी ना, तब मैंने ये लिया था. सो जस्ट फॉर मेमोरी सेक रखा हुआ है ये तीनों. लेट मी अरेंज ये वाले कपड़े एटलीस्ट. गाइस लुक एट दिस, ये मेरे बचपन का ब्लाउज है. आई थिंक 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी मैं, और मैंने डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था अपनी फ्रेंड के साथ. सो डोला रे डोला पे डांस किया था हम लोगों ने एंड एज अ पेयर, और तब सिलवाया था. लुक एट एवरीथिंग अबाउट दिस ब्लाउज, दिस इज सो नॉट माई स्टाइल नाउ, बट अच्छा है, अच्छी मेमोरी है इसके साथ भी. सो मैंने अमेजोन से ही कंप्रेसर मंगाया था. आई होप इट विल वर्क, और ये मेरे कपड़ों की जो वॉल्यूम है उसे कम करने में मदद करेगा. ऐसा कुछ होता है ये, आप सारे कपड़े भर दो एंड देन इसको खोलने के बाद इस टूल की मदद से यू पंप आउट द एयर, और जितना आप पंप आउट करते रहोगे उतने इसे दबते जाएंगे कपड़े, दबते जाएंगे. The next day. अभी मैंने शुरू कर दिया बाहर के कपड़ों की पैकिंग. मुझे इतना प्यारा सा जैकेट मिला ना काफी डिग इन करने के बाद. दिस आई बॉट फ्रॉम सरोजिनी नगर 2019 में लेके आई थी. दीज आर द क्लोथ्स दैट आई एम गोना कैरी विथ मी. एंड ऑल ऑफ दिस आई एम डिस्कार्डिंग एंड डोनेटिंग. ओह नॉट दिस, सेंड हेल्प, क्योंकि मैं क्या करूँ इन सब का.
कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा. आई वॉज लुकिंग फॉर दिस टॉप फॉर सो लॉन्ग एंड वाई डू आई इवन हैव दिस ड्रेस. वॉट इज दिस? वाई? लाइक वाई? Many unbearable hours later. चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, घूमने जाएंगे. बस कुछ दिन और लियो, उसके बाद कौन घुमाएगा शाम को? लियो को कौन घुमाएगा? Guys, I'm packing kitchen का सामान now. ये सब जो सामान आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरे भाई का है. कोविड से पहले वो रहता था अहमदाबाद में. सो कोविड के दौरान आई थिंक सेकेंड वेव के बाद वो घर आ गया था. सो ये सब उसी का ही सामान है. उसमें से सिलेक्ट कर रही हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा सकती हूँ. He had got lot of good stuff, you know, like ये कटोरियाँ मैं लेके जा सकती हूँ, these things. नया चाकू भी है मेरे पास. उफ, थक गई मैं. बहुत मुश्किल होता है यार, पैकिंग इज सो टफ. अभी इतना जमा किया है मैंने मूवर्स और पैकर्स के लिए, अभी उसको भी सॉर्ट आउट करना है. लुक एट दिस एरिया ऑफ माई रूम. माई गुडनेस, रात के देखो कितने बज रहे हैं. शार लेके अभी आई हूँ. आई थिंक आई एंड द व्लॉग हियर, ताकि मैं नया व्लॉग कल से शुरू कर सकूँ. दैट व्लॉग इज गोना इंक्लूड मूवर्स और पैकर्स वाला पार्ट एंड देन लास्ट डे इन हियर घर पे. उसके बाद मूविंग टू न्यू सिटी मुंबई, वो सब वगैरह वगैरह. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग. अगर आप ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हो रॉ रियल अनफिल्टर्ड, देन यू नो व्हाट टू डू. सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को. एंड आई एम गोना सी गाइस प्रीटी सून विद ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन दिस चैनल. बाय एवरीवन. ओह, टेक केयर तो बोलना भूल गई. टेक केयर.